If you are having any question, any doubt, or you didn't understand any concept, whether it's related to boards or JEE NEET, if you are facing any problem while studying, then Philo app is the solution. Clear all your doubts anytime just by doing 3 easy steps. First of all, download this app from the Play Store or App Store. This is the first step, and after downloading this app from the Play Store, just sign in by putting your 10-digit mobile number in the app and you will get login into the app. And just after the second step, just scan your query which you want to ask from the tutor and upload it on the app and submit it. Within 60 seconds, Philo will get connected you live with the tutor and you would get the answers. As you are seeing in the video, the tutor is explaining each and every concept which you have asked from him, and he will clarify your every doubt. So what are you waiting for? Go and download this amazing app. Link is given in the description box and get your problem solved within 60 seconds. Use my referral code to get 10% discount. Link is given in the description box. Check it now. Alright, so hi guys, कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेशन 2022 के लिए कब तक आपके फॉर्म्स रिलीज हो सकते हैं? अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कब तक आपके फॉर्म्स रिलीज हो सकते हैं? इस वीडियो में अंदर उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो, ऑफकोर्स पहली बार ही आए होगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो तो बिना सब्सक्राइब करके तो बिल्कुल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, एज वेल एज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इस चैनल पर देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो वेबिनार्स के फॉर्म्स में हो या फिर किसी वीडियो के फॉर्म में, बट वैल्यू एडिंग हमेशा कंटेंट इस चैनल पर आता रहता है। आप जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो अगर चैनल पर पहली बार आए हो। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यार देखो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन फॉर्म्स हमेशा रिलीज करती है अप्रैल के अंदर, ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स फिनिश होते हैं उसके 10 या 15 दिन बाद, नहीं तो एग्जाम्स खत्म होते ही अपने फॉर्म्स रिलीज कर देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट पिछले कुछ 1 या 2 साल से कोरोना की सिचुएशन के कारण फॉर्म्स एक्सटेंड हो रहे थे एंड रिलीज काफ़ी लेट हो रहे थे, लाइक ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ आगे फॉर्म्स रिलीज हुए थे। एंड ऑल्सो दिल्ली यूनिवर्सिटी आज तक ये भी चेक वेट करती थी कि सभी स्कूल्स के जब तक एग्जाम्स नहीं होते थे तब तक अपने फॉर्म्स रिलीज नहीं करती थी, ठीक है, उसके बाद अपने फॉर्म्स रिलीज करती है। तो आप मान के चल सकते हो अगर कोविड की सिचुएशन नॉर्मल रहती है इस सिनेरियो में, ठीक है, इस सेशन के अंदर नॉर्मल रहती है एंड आपके एग्जाम्स भी टाइम पर होते हैं, एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि अप्रैल से आपके फॉर्म्स रिलीज हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, अप्रैल से आपके फॉर्म्स रिलीज हो सकते हैं एंड ये चलेगा ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना, एंड फिर उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकती है 10 से 15 दिन अगर ज़रूरत पड़ी तो। 1.5 से 2 महीना यानी अप्रैल एंड में पूरा आपका एडमिशन फॉर्म्स के अंदर चला जाता है, एंड जैसे ही जून आती है, जैसे, ठीक है, जैसे जून का मंथ आएगा तब आपके एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो कि रेगुलर पहले 2-3 साल पहले से होते आए थे, जिस तरह से अब होने वाले, ठीक है। अगर CUCET होगा तो डेफिनेटली उसके मार्क्स देखे जाएंगे एंड उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। अगर CUCET नहीं होता कोरोना केसेस के बढ़ने के कारण, लाइक CUCET डिपेंड करेगा कोरोना केसेस पर, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, ऑफकोर्स रहनी भी चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका CUCET होगा। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ जुगाड़ लगाया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जिससे आपको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दे सके मार्क्स की एंड उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ से एक वाइल्ड गेस आप लेके चल सकते हो कि अप्रैल के अंदर आपके फॉर्म्स रिलीज हो सकते हैं अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त तक आपके एडमिशन चलेंगे एंड तब आप कॉलेज जा पाओगे अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है। आई होप कि छोटी सी वीडियो थी एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे, नहीं करके जा रहे तो पुरानी वीडियोज देख लो कि आप तब उनसे इन्फ्लुएंस होकर जरूर करके जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कोई भी दिक्कत हो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पूछना हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो या फिर चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड।